हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? अली नवाज बोल रहा हूँ, क्वेटा से। अली नवाज साहब क्वेटा से जी, बिस्मिल्लाह फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, एक गाय है, उसका थनों में कील मा गोश्त आए हुए। अच्छा, थनों के बीच में आ गया? नहीं नहीं, साइडों पे, दरमियान में। अच्छा, चार पन में तकरीबन दो साइडों पे चिल्मा गोश्त है, पता नहीं क्या तरह कोई वो है। मैंने यहाँ के डॉक्टरों से फिर वो उन्होंने वो दिया था, ये फास्फेट क्या आपने एक वो बताया था, पिंकी? नहीं नहीं पिंकी तो वो उस सूरत में देते हैं पिंकी, के जब आपका वो हो रहा हो ना, कोई जख्म हो या कोई, इस तरह का तो नहीं है ना? नहीं नहीं, जख्म नहीं है डॉक्टर साहब, जख्म बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या मसला क्या है उसको? मसला ये है कि छोटे छोटे कील। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, ऊपर ऊपर आ गए हैं। दूध तो ठीक, दूध कोई मसला, दूध तो ठीक दे रही है ना? हाँ, मसला नहीं है दूध में। तो कोई फिक्र नहीं करनी, वो थोड़े जो मौके टाइप हो गए हैं थोड़े बहुत, तो वो तहलील हो जाएंगे। एक दो लिख लें, ये होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं। होम्योपैथी? हाँ, एक है कलकेरिया फ्लोर 6X और दूसरी है कास्टिकम 30। हाँ, वो दोनों लेके ना, ये या सलेशिया मिल जाएगा, सलेशिया कोई चीज ले लें का, लेकिन क्लोर ये जो है ना, पहले मैंने क्या आपको बताया? पहले डॉक्टर साहब, उनके दिल कुछ दवाइयाँ मेरे पास तो अभी कागज कलम नहीं है। तो फिर आप इस तरह करें ना, रिकॉर्डिंग में देख लूंगा कल, जो आप अपलोड करेंगे चलें उसमें देख लें, ठीक है? तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये देते रहना है, मैं ये मेरे प्रोग्राम पहले भी देखे ना, तो उसमें अगर छोटी छोटी ये मोड़ियां हो जाएं, गिल्टियां हो जाएं, तो इसका कर देते हैं। ना हो तो इसको, अगर कोई एलर्जी टाइप है तो फिर तो हम इसको एवल के इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एलर्जी टाइप उसके उस पे भी, गले पे भी और ये जिस्म पे भी सोख सुर हो है। हाँ, मेरे ख्याल में ये तो अभी तकरीबन दो प्रेगनेंसी 2 महीने होते हैं इसके, वो है। तो बस इस तरह करें ना, वो इसको एवल का इंजेक्शन लगा दें। हाँ, एवल के आम उनसे पूछ लें कि इंसान के लिए क्या डोज है, जो इंसान के लिए डोज होती है ना, उससे 5 गुना ज्यादा कर लें भैंस के लिए या गाय के लिए। ये भैंस है ना, भैंस है, गाय है, तो गाय और भैंस दोनों के लिए 5 गुना ज्यादा कर देते हैं इंसान की निस्बत, ठीक है? इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ये दो तीन दिन लगाएं। और क्वेटा का कैसा मौसम, कैसा है क्वेटा का? क्वेटा का मौसम डॉक्टर साहब, बारिश वगैरह नहीं है, मौसम खुश्की है, गर्मी है। गर्मी है, अच्छा, चले आप सबको। अब तो मौसम सही है, दिन के टाइम गर्मी होती है। हाँ, वो डॉक्टर मीर मोहम्मद खान भी बन गए गवर्नर आपके, माशाल्लाह, जो गजई। चल, वेरी गुड, बहुत बहुत नई, इसका मतलब तब्दीली आ गई है क्वेटा में भी, हैं? बिल्कुल तब्दीली आ गई है क्वेटा के, तो बहुत सारे वो हमारे जो को डिप्टी स्पीकर बना दिए। हाँ, वो बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो भी बड़ा नूरानी चेहरा है उसका, बड़ा मुझे अच्छा लगता है वो, जाम कमाल है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह जब कभी चक्कर लगाऊंगा ना, कोई लेक्चर वगैरह हुआ क्वेटा में, तो मैं इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगा उधर, ठीक है ना? बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपकी रहनुमाई तो हमारी बहुत मेरी मेरी जान, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप दुआ करें अल्लाह ताला कबूल फरमाए, ठीक है? आमीन, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला खुश रखे।
آمین. آپ سب کو کوئٹہ کو سارے بلوچستان پورے پاکستان کو سلامت رکھے اور آپ لوگ خوب پھلے پھولیں. ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ.